हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड, आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पढ़ रहे थे उसका थर्ड पार्ट कवर करेंगे। और इस थर्ड पार्ट में हम रूल एप्लीकेशन एक्शन और प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इज़ रेजिड्यूरी एक्शन विच इज़ नाइदर लेजिस्लेटिव नॉर जुडिशियरी। ठीक है ना। तो बेसिकली आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है कि आपका एक रेजिड्यूरी एक्शन होता है जो कि ना तो लेजिस्लेटिव होता है ना जुडिशियल होता है। इट इज़ कंसर्न विद द ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन एंड इज़ डिवॉइड ऑफ जनरलिटी। तो ये आपका डील करता है ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन से कंसर्न होता है और आपका किसी भी टाइप की जनरलिटी जो होती है वो इसमें नहीं होती है। It has no procedural obligations of collecting evidences and weighing arguments। मतलब इसमें जो होती है ना इसके ऊपर कोई भी प्रोसीजरल ओब्लिगेशन नहीं होती, मतलब किसी भी प्रोसीजर को फॉलो करने की ओब्लिगेशन नहीं होती है। किस चीज़ के लिए? एविडेंस कलेक्ट करने के लिए या जो भी आर्ग्यूमेंट्स उसके रिस्पांस में पेश किए जा रहे हैं उनको नापने तोलने के लिए। नापने तोलने का मतलब ये नहीं कि आपको तराजू लेके नापना तोलना है। नापना तोलने का मतलब कि उनको एक तरीके से अपना आप एनालाइज करना है कि वो सही है कि नहीं है। तो इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के ऊपर इस तरीके की कोई भी आपकी प्रोसीजरल ऑब्लिगेशन नहीं होती है। It is based on subjective satisfaction where decision is based on policy and expediency। तो ये आपका subjective satisfaction पे based होता है, जहाँ पर decision जो होता है वो policy और expediency जो होती है इस पे based होता है। A minimum of the principles of natural justice must always be observed depending on the fact of the case। तो अगर हम बात करें कि principle of natural justice जो होता है, ठीक है ना, इसमें आपका किस चीज़ को मतलब आपका ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है। अ मिनिमम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है ना। इसमें आपका जो नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसका एक बोलते हैं ना कुछ मतलब उसको बहुत एक्सटेंट में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आपका एक मिनिमम लेवल में भी आपको यूज़ कर सकते हैं। मस्ट ऑलवेज बी ऑब्जर्व, ठीक है ना। बट इसमें नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसको अप्लाई करना ज़रूरी होता है ऑन द फैक्ट ऑफ द केस, कि जो आपका केसेस हैं उसके फैक्ट्स क्या हैं। It does not decide a right though it may affect a right। ये किसी right को decide नहीं करता है but ये आपका किसी right को आपका affect कर सकता है। Administrative action may be, ठीक है ना, administrative action आपका statutory हो सकता है having force of law, मतलब statutory भी हो सकता है जिसमें आपका force of law होती है, मतलब जो कि आपका legislature के ज़रिए बनाया गया है और जिसमें आपका एक तरीके से लॉ की फोर्स होती है अप्लाई करने के लिए उसे। और नॉन स्टैट्यूटरी भी हो सकता है जिसमें कोई भी आपका लीगल एक्शन नहीं होता है। बट इट्स वायलेशन मे बी गेट डिसिप्लिनरी एक्शन। बट अगर इस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का आपका वायलेशन किया जाता है तो इसके अगेंस्ट आपका डिसिप्लिनरी एक्ट आपका मतलब मे बी गेट डिसिप्लिनरी एक्शन, मतलब इसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। इन क्राइपार्क वर्सेस यूनियन की अगर हम बात करें तो इस केस में क्या था, द कोर्ट वॉज ऑफ द व्यू दैट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर द एक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज क्वाशी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव वन हैज़ टू सी। मतलब इस केस में कोर्ट ने क्या किया था, मतलब कोर्ट का क्या व्यू था कि अगर आपका ये डिसाइड करना है, आपको ये डिटरमाइन करना है कि कोई भी एक्शन आपका किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का क्वाशी जुडिशियल है या आपका एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी ज़रूरी हैं कि द नेचर ऑफ पावर कन्फर्ड, मतलब किस तरीके की पावर उसको दी गई है। देन टू हूम पावर इज़ गिवन, पावर किसको दी गई है। द फ्रेमवर्क विद इन विच पावर इज़ कन्फर्ड, मतलब वो फ्रेमवर्क जिसके अंदर वो आपकी पावर दी गई है और उसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं। तो ये चारों चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी ये डिसाइड करने के लिए कि कोई भी एक्ट जो है वो आपका प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव है या क्वाशी जुडिशियल है। देयर इज़ नो एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ सच एक्शंस मे बी ड्रॉ, हाउएवर अ फ्यू मे बी नोटेड फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। जनरली मतलब प्योरली अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की हम बात करें तो कोई एक ऐसी कोई पर्टिकुलर लिस्ट नहीं है, बट कुछ एग्जाम्पल्स हम अपनी क्लैरिटी के लिए देख सकते हैं, जैसे कि इशूइंग डायरेक्शन टू सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स नॉट हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। देन फैक्ट्स फाइंडिंग एक्शंस, देन रिक्विजिशन, एक्विजिशन एंड अलॉटमेंट, फंक्शंस ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी, entering names in a surveillance registers of the police, decisions to extend time for anti-dumping investigations. ठीक है ना, तो ये सारे जो हैं ये एक तरीके से एग्जाम्पल्स दिए हैं हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के. अब फ्रेंड्स लास्ट में ये जो एक मिनिस्ट्रियल एक्शन या हम कह सकते हैं प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, ये भी मैंने कई बुक्स में देखा है, तो इसको भी शॉर्ट में समझ लेते हैं. वैसे बेसिकली वो तीन ही टाइप की जो मैंने बताई है वही आपकी मेन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होती हैं. तो मिनिस्ट्रियल एक्शंस को भी देख लेते हैं. इट इज़ दैट एक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी विच इज़ टेकन एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी इम्पोज अपॉन इट बाय द लॉ. ये मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी का वो एक्शन होता है जो कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है उसमें इम्पोज़ की जाती है एज अ ड्यूटी. और कौन इसको इम्पोज़ करता है? लॉ. ठीक है. एंड डिवॉइड ऑफ एनी डिस्क्रिशन और जजमेंट. पर इसमें आपका क्या होता है, कोई भी डिस्क्रिशन मतलब कोई इसकी अपनी खुद की इच्छा नहीं होती है या कोई जजमेंट उसमें नहीं होता. इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या आते हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ अ डेफिनेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच देयर इज़ नो चॉइस. मतलब कोई भी आपकी एक डेफिनेट ड्यूटी को परफॉर्म करना जिसके लिए उसके पास में कोई चॉइस नहीं है, मतलब वो आपका ड्यूटी उसको परफॉर्म करनी ही करनी है. इसका एग्जांपल है हो सकता है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. ठीक है ना. तो फ्रेंड्स ये हमारा जो टॉपिक था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का क्लासिफिकेशन, ये तीनों टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं. तो प्लीज़ आगे भी वीडियो आप देखते रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी. अगर आपको इससे थोड़ी हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू वेरी मच.